नहीं, मुझे कोई प्यास प्यास नहीं लगी है, मैं तो सिर्फ एक चक्कर चली हूँ। अगर इस चक्कर में मेरे स्वामी आ जाएंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। हेलो, मेरे स्वामी गए हैं पानी लाने के लिए, वो पानी लेके आएंगे मेरे पास, मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे में उनके हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। सबसे पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। अगर मेरे कहने पे मेरे स्वामी सत कर लेंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। यानी इस उंगली को मैं जिधर जिधर घुमाऊंगी, मेरे उंगली के इशारे पे मेरे स्वामी चलेंगे। ठीक है, अब लगता है कि मेरे स्वामी आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ इसी जगह बैठकर। महारानी देखो, महारानी अपने सिमान पर मैं कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूं, ये लो पानी पी लो और जल से मेरे साथ डोली में बैठ जाओ। परंतु एक बात है स्वामी जी। क्या? ऐसे मैं आपके हाथों से पानी नहीं पी सकती। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। सबसे पहले आपको सत करना होगा। सत? लेकिन महारानी पति और पत्नी के बीच सत किस बात की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुझे मांगने में देर है महारानी, लेकिन मुझे देने में नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे सत इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं कुंवारी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था। कैसा प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करूंगी, अगर वो अपने हाथों से कोई वस्तु मुझे पहली बार देने लगेंगे तो मैं उनसे सत करवा लूंगी। सत? हाँ, ये मेरी प्रतिज्ञा थी। तो क्या मुझे सत करना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी। ठीक है महारानी, अगर तू ऐसा प्रतिज्ञा की है तो मैं तुम्हारे साथ में सत कर लेता हूँ। ठीक है। हेलो चे आहे ये कसाता करिया है रानिया, सातना तो सरवा सुंदरी है, केसरी साता है सत्तो सत, ब्रह्मा विष्णु सत, अगर सत से बेशत हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा महारानी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी अब तो मैं तुम्हारे साथ में सत कर लिया, अब तो महारानी पानी पी लो और जल से मेरे साथ डोली में बैठ जा। ये लो महारानी। महारानी मैं ये पानी लाया था पीने के लिए और तू तो उठा करके उसे नीचे फेंक दिया महारानी। क्यों महारानी? स्वामी जी, आप मेरे कहने पे सत के हैं, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ आप कान खोल के जान पड़ सुन लीजिए। आप अभी इसी वक्त इसी क्षण आप अपना महल जाइए। आपके महल में तो आपकी बड़ी महारानी है, सोनी की जो मेरी सौतन है, तो उस कुत्ती को, उस काली नागिन को, उस रंडी बेचा को उस महल से 14 वर्ष के लिए बनवास दीजिए। ये तुम क्या कह रही है महारानी? ये मैं बिल्कुल सत कह रही हूँ स्वामी जी।
जिस देवी के कहने के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में शादी किया, हवेली में चल करके तू उसे देखी नहीं है महारानी, रास्ते में सत करवा करके ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि वो मेरी सौतन है। तो क्या हुआ? और वो बांझिन है, मैं उस बांझिन के रहते उस महल में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आई है मानी लहो हेरानी, मेरा कहना मानो महारानी, ऐसा मत करो। बिल्कुल नहीं मानूंगी। हमारे चनिया सुंदरिया महारानी को अपने हवेली से दूर नहीं कर सकता हूं, मैं उसे वनवास नहीं करूंगा महारानी, नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सोच लीजिए। क्या सोचूं? अगर मेरे आदेश अनुसार काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी कही हुई बात आप नहीं मानेंगे, तो मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत किए हैं, तो इसलिए आपका क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा, आपका सत्य नाश होगा, आप नरक में जाएंगे। शिव भगवान, अरे जा रे काली नागिन, क्या सोच करके मैं तुम्हारे साथ में शादी किया था? सोचा था कि हवेली में चलकर के तू मेरी हवेली को खुशियों से भर दोगी, लेकिन तू रे काली नागिन, मेरे हवेली में जाने से पहले हवेली की खुशी को डस लिया। तू सत कह रही है, अगर मैं बड़ी महारानी को वनवास नहीं करूंगा तो मेरा सत चला जाएगा। मैं जा रहा हूं, बड़ी महारानी को हवेली से वनवास कर दूंगा। रुक जाइए, स्टॉप इट। आप जो अपना महल जा रहे हैं, मेरे लिए क्या सोचे हैं? अब मुझे सोचने के लिए बचा ही क्या है? तू तो अपने लिए खुद सोच लिया महारानी, कहो क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, यहाँ से जाते जाते तो संडालनी औरत को उस महल से दफा कर ही देंगे। इसके तत्पश्चात शानिश के तुरंत बाद मेरे लिए शहर तक कोई कार्य मानूती यानी सवारी भेज दीजिएगा, मैं उस सवारी पे चढ़ के आपके महल तक जाऊंगी। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर मैं आपके महल तक पांव पैदल चली गई ना, तो इसका बहुत बुरा अंत होगा। हाँ, जाइए। शिव भगवान, ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूं। भाई नाम के दौर में रुपेश कुमार चौधरी जी, भाई नाम के दौर में रुपेश कुमार चौधरी जी, इन्होंने इस देश को कदर करते हुए बहुत ढेर सारे रुपये से नवाजे हैं, नवाजगी का लाख लाख धन्यवाद। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। नहीं नहीं, आप ही लोग बताइए, अगर किसी को भूख है एक रोटी की, अगर उसमें
उसे एक रोटी नहीं मिले